78। देखिए काफ़ी प्यारा सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा बट ढंग समझेंगे। क्या बोला है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन द रिस्पेक्ट ऑफ द फंक्शन। आपका फंक्शन दिया है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स 1/2 कॉस स्क्वायर एक्स। इट इज़ इंक्रीजिंग दिस इंटरवल, इट रिमेन कॉन्स्टेंट दिस इंटरवल, इट इज़ डिक्रीजिंग इन दिस इंटरवल, या फिर इट इज़ डिक्रीजिंग पाई बाई 4 से पाई बाई 2 के बीच, ऐसा हो रहा है। तो देख रहे हो गाइस, ये तीनों इंटरवल सेम है, 0 से π/2, 0 से π/2, 0 से π/2। ठीक है, थोड़ा इसको आगे जाके हम यूज करेंगे, पहले इसको ध्यान देना आप। देखो ये एफ एक्स आपका ये कितना है, एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स 1/2 कॉस स्क्वायर एक्स। इसका मैंने क्या कर दिया, डिफ्रेंशिएशन कर दिया। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, प्रोडक्ट टूल से करेंगे। मैंने एक्स को छोड़ा, साइन का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा कॉस एक्स, साइन को छोड़ूंगा तो एक्स का कितना हो जाएगा 1, कॉस एक्स का कितना होता है गाइस माइनस साइन एक्स, 1/2 कॉन्स्टेंट जो बाहर हो जाएगा, पावर का पहले होगा तो 2 कॉस एक्स हो जाएगा, और कॉस एक्स का कितना होगा गाइस माइनस साइन एक्स होगा। इस 2 से 2 क्या होगा, कट जाएगा। अब वो गाइस आपका कितना बचेगा यहाँ पे, एफ डैश एक्स जो आपका आया वो कितना आएगा, एक्स कॉस एक्स ये प्लस साइन एक्स ये माइनस साइन एक्स कट जाएगा गाइस, यहाँ पर होगा एक्स माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है, अब यहाँ से एफ डैश एक्स जो आपके पास आएगा, कॉस एक्स कम ले यहाँ से, तो अंदर आएगा एक्स माइनस साइन एक्स हो जाएगा आपके पास। ठीक है, अब आप क्या करो, ऑप्शन नंबर ए से चेक करो, 0 से π/2 सब में दिया है, ऑप्शन नंबर ए में बी में सी में भी दिया है, बस डी में कुछ अलग दिया है। तो 0 से π/2 देखो इसकी वैल्यू क्या है, नहीं ग्रेटर देन 0 आएगी तो बोलेंगे इंक्रीजिंग है, लेस देन 0 आएगी तो क्या बोलेंगे डिक्रीजिंग है। तो इसके अंदर कोई एक वैल्यू ले लिया 0 से 90 के बीच 45 π/4 ले लिया। अब इसके अंदर यहाँ पर रखता हूँ तो कॉस π/4 यहाँ पे π/4 हो, यहाँ पे क्या होगा π/4 हो जाएगा। ठीक है, तब देखो कास्ट पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2 वो हो जाएगी, और पाई की वैल्यू होती है 3.14 रख दिया यहाँ पे, अपान 4 हो यहाँ पे, साइन पाई बाई 4 हमारा कितना 1/√2। तो गाइस अभी ये देखो 1/√2 ये पॉजिटिव ही है, अभी डिसाइड नहीं हो रहा कौन बड़ा है कौन छोटा है। यहाँ देखो कितना होगा माइनस 3.14 / 4 0.7 समथिंग आ रहा है, या फिर अगर मैं इसको 2 प्लेस ले जाऊँ तो 0.78 आएगा। इसमें मैंने रेशनलाइज कर दूंगा तो √2 पर हो जाएगा, √2/2 हो जाएगा, √2 की वैल्यू होती है 1.414, तो इसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो 2.70 आ रहा है, वो 0.7 आ रहा है, 0.78 आ रहा है, तो ये वाला बड़ा हो गया। मतलब ये वाला आपका क्या दे रहा है पॉजिटिव, मतलब पूरी आपको कैसे मिल रही है पॉजिटिव मिल रही है गाइस। अगर ये पॉजिटिव मिल रहा है मतलब एफ एक्स आपका क्या होगा इंक्रीजिंग होगा। तो एफ एक्स 0 से π/2 के बीच आपका कैसा होना चाहिए इंक्रीजिंग। तो इस हिसाब से जो हमारा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट।